चलो, इलेक्ट्रॉन यूज इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर एक्सेलरेटेड बाय ए 25 किलो वोल्ट। अब देखो, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी इज इक्वल टू 25 किलो वोल्ट अगर मैं लगाऊं, तो इस इतना पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है। अगर ये प्लस प्लेट है और ये यहाँ से माइनस प्लेट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे हैं तो एक्सेलरेट हो रहे हैं, तो ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और हम सबको पता है इस पे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा ना, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हो रहा है ना भाई, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा वी वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसमें फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से एक्सेलरेट कर रहे हैं, और ये पोटेंशियल वी वन है, ये पोटेंशियल वी टू है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 है। इफ द वोल्टेज हमने इंक्रीज कर दिया तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड, अब इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी, और एच अपॉन लीनियर मोमेंटम पी एम भी होता है, और जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, अब इसको एच अपॉन टू टाइम्स एम काइनेटिक एनर्जी ई, और ये जो इलेक्ट्रॉन को अगर पूरा हमें जब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है, और ये पूरा सॉल्व करके यहाँ ई की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस से रखते हैं, तो हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद है कि अगर लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस वी अंडर रूट एंगस्ट्रॉम, ठीक है, यहाँ एनर्जी ई की वैल्यू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी रखोगे तो ई वी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये सारी चीज़ आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में। ये तो अब कहता है ऑब्वियसली देखो, पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा, तो हाँ ये इंक्रीज किए हो, इफ द वोल्टेज इंक्रीज डेल्टा वी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ, द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रॉन, तो अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करोगे तो लैम्डा डिक्रीज होगा, तो ऑब्वियसली अगर देखो पहले केस के लिए लगा दो कि लैम्डा इज लैम्डा वन प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी वन अंडर रूट, तो ये आ जाएगा लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन सेकेंड केस में, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो वी वन अपॉन वी टू अंडर रूट, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा टू वी वन, पहले कितना था 25 था, अब कितना आ जाएगा बोलो, तो अब कितना आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 100 किलो वोल्ट है, तो ये आ जाएगा 1/2, तो इसका मतलब ये हुआ कि लैम्डा टू जो आ जाएगा वो लैम्डा टू लैम्डा 1/2 आ जाएगा, तो जो लैम्डा टू है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इफ द वोल्टेज इंक्रीज करोगे तो लैम्डा डिक्रीज करेगा, पहले का आधा हो जाएगा डिक्रीज बाय द टू, मतलब ये सही नहीं हो सकता और ये भी सही नहीं हो सकता, ये भी सही नहीं हो सकता, मतलब बी ऑप्शन हम लोग का सही है।